तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ बहुत सुंदर से होम डेकोर आइटम्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले DIY के लिए मैंने यहाँ पे एक खाली बॉक्स ले लिया है और मैंने उसे टिश्यू पेपर की हेल्प से कवर कर लिया है। अब मैं वॉल पुट्टी का एक डो लेकर उस पर कुछ आर्ट करूँगी। तो सेकेंड बॉटल पे मैंने ऐसे एक हाउस बना लिया है। उसके बाद मैंने अपनी भतीजी का नाम लिखा है, उसका नाम है यति। उसने मुझसे बोला था, बुआ मेरे लिए एक पेन होल्डर बना दो। और उसके बाद मैंने एक यहाँ साइड में लीफ बना लिए हैं दो। बाद में मैंने बची हुई वॉल पुट्टी का छोटा सा रोज बना के उस पर लगा दिया था। अगर आप लोग को जानना है कि मैंने वो रोज कैसे बनाया था तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये दिखने में कुछ इस तरह लग रहा था। मैंने इस पे हर्ट भी बनाया था, छोटे छोटे बॉल से वॉल पुट्टी के। फिर मैंने सेकंड वाले पे अक्कू लिखा था, अक्कू मेरे भतीजे का नाम है। तो मैंने ये दोनों का एक पेयर बनाया था और उसके बाद मैं इस पे जेसो लगा रही हूँ। आप इसकी जगह वाइट एक्रेलिक पेंट भी यूज कर सकते हैं। तो सूखने के बाद ये कुछ इस तरह हो गया है और मैं इसे ब्लू और स्काई ब्लू शेड में पेंट करूँगी। तो मैंने पहले ब्रश से पेंट ले लिया उस पर। अब मैं स्पंज की हेल्प से उसे डैब डैब करके पेंट कर रही हूँ। मैंने उसी बॉटल की तरह ये दूसरा वाला बॉटल भी पिंक एंड रेड की कॉम्बिनेशन में इसको भी पेंट कर लिया है और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अब मैं इस पर वॉर्निश का एक कोट अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि ये वाटरप्रूफ रहे। तो चलिए अब इसके कुछ सिनेमेटिक शॉट्स देखते हैं। बॉक्स लिया है, अब मैं उस पर एक लाइन मार्क कर लूंगी और साइड में भी। तो दोनों साइड में कुछ इस तरह मार्क करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कटर। मैंने इसे हैंग करने के लिए बीच में एक होल कर लिया है और अब मैं इसके एजेस पे मास्किंग टेप लगा रही हूँ जिससे कि हमें एक फाइन एज मिल सके। अगर आप लोग को ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने यहाँ पे इनविटेशन कार्ड का एक पेपर लिया है और मैं इसे यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब मैंने इसे पूरी तरह से पेपर से कवर कर लिया है और अब मैं इस पर कुछ कोट लिखूंगी।
इज इन दी हेयर, और मैंने यहाँ पे कॉम का सिंबल भी बना दिया है। अब मैं इसके एजेस पे लेस लगाऊंगी और इसे थोड़ा डेकोरेटिव बनाऊंगी। मैं इसे कॉम रखने के लिए बना रही हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो इसमें कुछ भी जैसे पेन होल्ड करने के लिए भी इसे बना सकते हैं। तो फाइनली ये देखने में कुछ इस तरह लग रहा था, और ये मैंने अपने मम्मी की फरमाइश पर बनाई थी। तो चलिए इसका शॉर्ट आउट देखते हैं।